हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस है एनआरआई कन्वर्जन को लेकर के। तो आप में से जो भी स्टूडेंट इंडियन नेशनल के कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं एग्जामिनेशन और आपको लगता है आपके पास स्पॉन्सरशिप है, तो आप एनआरआई कन्वर्जन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो टाइम दिया जा रहा है वो 7 अक्टूबर के 10 AM से 11 अक्टूबर के 10 AM के बीच में। तो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है, जो स्पॉन्सरशिप के हिसाब से रिक्वायर्ड होती है, वो आपको एमसीसी को मेल करना है। मैं आपको मेंशन भी कर दूं, एनेक्सर वन जो कि स्टूडेंट द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, उनको फिलअप करना है और साइन करना है, ये इंक्लूज करना है। और उनका एक और डॉक्यूमेंट है नेट का स्कोर कार्ड, जो इंक्लूज होगा। बाकी के डॉक्यूमेंट में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो भी आपको बता दूँ, पासपोर्ट एंड वीजा ऑफ स्पॉन्सरर, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, और इसके साथ में स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट जो कि इशू किया जाएगा कंसलेट द्वारा, और एफिडेविट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको मेल करना है। आपको बता दूं कि एमसीसी में एम्स, एएमयू और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एनआरआई कोटा से एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या एमसीसी में एनआरआई की कन्वर्जन जो लोग कराते हैं वो क्या स्टेट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्टेट काउंसलिंग में जो एनआरआई कोटा से एडमिशन लिया जाता है, उसका कोई भी कनेक्शन एमसीसी की काउंसलिंग से नहीं है। स्टेट की काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एमसीसी में एनआरआई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एमसीसी में सिर्फ वही लोग एनआरआई कन्वर्जन के लिए अप्लाई करेंगे जिनको एम्स, एएमयू या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं एनआरआई कोटा से। एनआरआई कोटा से बेनिफिट ये हो जाता है कि एक तो जो जनरल कट ऑफ है एम्स की वो बहुत हाई होती है, बट एनआरआई कोटा से थोड़ा कट ऑफ ड्रॉप हो जाता है, तो थोड़े कम मार्क्स पे भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के टॉप यूनिवर्सिटी में भी आप कम से कम स्कोर पे एडमिशन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका बजट होना चाहिए। एनआरआई कन्वर्जन का मौका राउंड वन, राउंड टू, मॉपअप तीनों राउंड में मिलेगा। तो आप में से अगर कोई है ऐसे जिनके पास में डॉक्यूमेंट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं हो पाए, तो आप राउंड टू और मॉपअप राउंड में भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कट ऑफ देख करके, ऑब्जर्व करके आप स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट लगा करके कन्वर्जन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। थैंक यू।